inside is 2 के लिए थैंक यू देख रहे ट्रेलर आया है काफी मतलब ऐसे ट्रेलर से ऐसा लगता है कि हाँ ये 1 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है थैंक यू अभी आपके अलावा हमने और भी जिनसे बात की सभी बहुत लाइक क्रेजी है तो आप बताइए आप कितना क्रेजी है इनसाइड एज 2 के लिए एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली मैंने आपसे दो सवाल पूछ लिए तो कैसा कितने क्रेजी है आप इनसाइड एज 2 के लिए हाँ यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनसाइड एज 1 को भी इतना प्यार मिला कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से क्योंकि जब अमेजोन ने मुझे पहली बार अप्रोच किया था फरहान रितेश एक्सेल करण अंशुमन सब मिलकर हम एक नई पहल रख रहे थे ये अमेजोन ओरिजिनल्स तब बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था इतना बड़ा नहीं हुआ था और उस समय सबका ये डाउट भी था कि कैसे होगा क्या होगा लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये बहुत अच्छा होगा और एक्सेल हमेशा अच्छा ही करता है करण से कहानी सुनी थी बहुत अच्छी लगी थी और जब ये इतना बड़ा सक्सेस हुआ और आगे चल के एमी नॉमिनेटेड पहला हिंदुस्तान का एमी नॉमिनेटेड कंटेंट हुआ फिक्शन स्पेस में तो बहुत एक्साइटमेंट हुई और इनसाइड एज 2 के बारे में जाहिर है कि उतनी ही एक्साइटमेंट है उससे ज़्यादा है कि अब हम क्या 1 के ऊपर इसे बेंचमार्क कर पाएंगे कि नहीं मैंने पूरा सीजन 2 अभी देखा क्योंकि हाँ जी क्योंकि अमेजोन ने मुझे अंग्रेजी में इसे डब करने के लिए कहा और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं अमेजोन के लिए इनसाइड एज 2 जो अपना शो है अंग्रेजी में डब कर रहा हूँ ताकि वो विदेश जाए और जो उनका शो है जैक रायन अमेजोन का इंग्लिश शो है उसे मैंने हिंदी में डब किया एज जैक रायन इंडिया में उसका प्रचार करने के लिए लेकिन उस दौरान जब मैंने शो देखा आई वाज सो हैप्पी क्योंकि जब आपका पहला सीजन इतना सक्सेसफुल रहता है तो आप थोड़े से नर्वस होते हो कि यार सेकंड सीजन मैचअप कर पाएगा कि नहीं और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती मुझे लगता है कि इट्स जस्ट फैंटास्टिक एंड पर्सनली बहुत खुश हूं मैं क्योंकि विक्रांत धवन जो एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ फर्स्ट सीजन में और जिस तरह की एक फैन फॉलोइंग बनी एंड ऑफ फर्स्ट सीजन में ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया ही इज डेड तो अब क्या होगा और बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के कि भाई क्या हो रहा है विक्रांत आएगा नहीं आएगा सेकंड सीजन में क्या होगा अब सेकंड सीजन में आया है और बिल्कुल एक खूंखार शेर की तरह यू नो एक वाउंडेड लायन की तरह जो अपनी टेरिटरी रिक्लेम करने आया है मोर डेंजरस घायल शेर एक और खूंखार होता है कहते हैं ना लोग तो इट्स लाइक दैट तो कहीं ना कहीं एक अलग ग्राफ प्ले करने को मिला कि क्या विक्रांत धवन को ड्राइव करता है किस चीज से वो फिर अपने इस पावर को हासिल करना चाहता है कैसे वो एक बिल्कुल एक जो असैसिन्स होते हैं जो बिल्कुल शैडोज में खेलते हैं तो किस तरह से वो शैडोज से बाहर निकल के अपने टारगेट को अचीव करेगा किस तरह से उसी भाई साहब को जो एक समय उनके मेंटोर थे उसी भाई साहब ने जो विक्रांत धवन को डिस्ट्रॉय किया खत्म किया उसी भाई साहब के खिलाफ वो टक्कर में कैसे आएगा ये विक्रांत के बारे में थोड़ा सा हम और बातें करेंगे क्योंकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है विक्रांत के बारे में लेकिन उससे पहले दो चीजें आपने हमें बताई जो बहुत ही एक तो आपने डब किया है पूरा तो वो जरा बताइए कि कैसा रहा आपकी आपका एक्सपीरियंस आप मतलब पूरे क्रू मेंबर में से आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये शो पूरा देख लिया है सो आप बताइए कि अब देखने के बाद आपको कैसा लगा कि हाँ ये ऑडियंस को एकदम मतलब धमाल करने वाला एंड वो डब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका डबिंग में कई सालों से करते आया हूँ अपनी फिल्मों के लिए और अपनी फिल्मों से पहले जब मैं स्टूडेंट था तब पॉकेट मनी में डबिंग से कमाया करता था तो जितने बड़े इंटरनेशनल शोज आते थे उन्हें मैं हिंदी में डब किया करता था इंटरनेशनल मूवीज आती थी उन्हें मैं हिंदी में डब किया करता था बहुत सारे मतलब जुरासिक पार्क से लेके बेब से लेके द रॉक से लेके मतलब इतनी सारी फिल्में हैं जिनको मैंने हिंदी में डब किया इतने सारे शोज सांता बाबरा बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल स्मॉल वंडर 50 शोज होंगे कम से कम जिनको मैंने हिंदी में उस समय डब किया था फिर रिसेंटली मैंने स्पाइडरमैन हिंदी में इलेक्ट्रो का रोल डब किया था कुछ साल पहले सोनी के लिए और अब अमेजोन के लिए मैंने जैक रायन को हिंदी में डब किया जो उनका काफ़ी बड़ा शो है आई थिंक इट्स द बिगेस्ट शो तो अब मज़ा आया कि अपना शो इनसाइड एज अंग्रेजी में डब करके उसे पूरे देश विदेश में उसका एक प्रमोट करते हुए उसे बाहर भेजना ताकि और लोग जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो देखें और एक इसकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हो लोग देखकर उसे पसंद करें और अमेजोन का इतना फेथ कि ये शो वाकई इंटरनेशनल क्वालिटी और स्टैंडर्ड का है कि इसे अगर अंग्रेजी में डब किया जाए तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो वो बहुत खुशी हुई मुझे उस बात को लेकर जी एंड शो तो आपने पूरा देख ही लिया है जी सो आप बताइए आपको इट्स फैंटास्टिक
इट्स फैबुलस. बहुत अजीब लगेगा कि मैं खुद के शो के बारे में ये कह रहा हूँ, लेकिन करण अंशुमन ने, फरहान रितेश ने, एक्सेल की पूरी टीम ने, हमारे जितने राइटर्स हैं, हमारे आकाश भाटिया गुरु जो हमारे साथ में करण के साथ डायरेक्ट किए हैं इस शो को, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया. दे हैव टेकन इट टू अनदर लेवल. बहुत मजा आया जी. हाँ डेफिनेटली मजा तो आने वाला है क्योंकि सभी बहुत एक्साइटेड हैं शो को लेकर. अब विक्रांत के बारे में कुछ और बताइए क्योंकि जैसा कि हम सभी ने फर्स्ट सीजन में देखा कि जैसा लगा कि हाँ यार सब कुछ तो दिखा दिया, सब कुछ तो खत्म हो. ये जो विक्रांत है अब सेकेंड सीजन में क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं, क्या कुछ नई चीजें लेकर आने वाले हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके तो. आई थिंक कहीं जो आपने कहा अभी कि फर्स्ट सीजन में एक पिच था उसका. विक्रांत जब किसी कमरे में अंदर आता था तो आपको लगता था कि अब इस पूरे कमरे को वो पावर से अपने कंट्रोल करेगा और मास्टर मैनिपुलेटर शातिर तो था ही, लेकिन उसे क्या ड्राइव करता है, वो क्यों ऐसा है, उसकी मोटिवेशंस क्या है. और जब आप एक आदमी जो जीता जागता पावर है, उसका ड्रग ही पावर है, आप उससे वो ड्रग छीन लेते हो, आप उससे वो पावर छीन लेते हो और आप खुद ही उसका जो मेंटोर है उसे दगा देता है, उसे धोखा देता है उसका भाई साहब, तो अब इस आदमी की मानसिकता क्या रहेगी, अब ये कैसे सोचेगा और वापस अटैक कैसे करेगा. और ये एक नया तरीका है विक्रांत धवन के लिए. तो एज एन एक्टर मेरे लिए ये परफॉर्म करना भी बहुत मजेदार था क्योंकि अब एक अलग टोन और पिच से पकड़ के विक्रांत को एक नर्वसनेस से, एक इनसिक्योरिटी से, एक वल्नरेबिलिटी से अब विक्रांत को मुझे बिल्ड करना था. पहले वो एंटर करता था लाइक अ लायन, लेकिन अब वो घायल शेर है तो वो धीरे धीरे छुप छुप के कैसे वार कर रहा है और कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे उस पावर पे आना चाहता है कि अब वो भाई साहब को टक्कर दे सके. तो उस चीज का एक अलग मजा है. तो हम ऐसा माने कि मतलब इस पूरे सीजन में विक्रांत का दबदबा रहेगा ऐसे, मतलब हर किसी के साथ में उसका कंट्रोल रहेगा और हर किसी के साथ में वो टच में रहेगा और पूरा गेम वही खेल वो उसी का है. आई थिंक बहुत सारी चीजें हो रही है इनसाइड एज में. बहुत मजेदार शो है, बहुत सारे ट्रैक्स चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले सीजन में मास्टर पपेटियर विक्रांत थे और मुझे लग रहा है सीजन टू में भी आप देखेंगे कि विक्रांत धवन जो है वो कभी बिहाइंड द सीन्स है, कभी तो आप उसे देखेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, लेकिन आपको धीरे धीरे भनक लगेगी कि शायद ये इसके पीछे शायद वो है, इसके पीछे शायद विक्रांत धवन है और इस तरह से बिल्ड किया है जी. एंड सीजन टू में हमने देखा कुछ एक न्यू एंट्री भी है एंड सभी बहुत एक्साइटेड हैं. आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑल ओवर सभी के साथ? यार एक परिवार सा है. मुझे याद है जब पहली बार हम सीजन वन शूट करने जा रहे थे तो मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी ताकि सब एक दूसरे को मिल लें, कंफर्टेबल हो जाएं. और इसी तरह हमने सीजन टू के लिए भी एक पार्टी रखी और एक दोस्ती यारी ऐसी हो गई है ओल्ड एंड न्यू सब मिला के कि अब एक पारिवारिक सा रिश्ता बन गया है. एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन है और यही स्पिरिट को लेकर हमने आगे इस फिल्म को, इस शो को शूट किया. तो चलिए जाते जाते कितना बेसब्री से इंतजार है दिसंबर में स्ट्रीमिंग होने वाला है ये इनसाइड एज टू. विवेक जी को कितना बेसब्री से इंतजार? 6 दिसंबर का इंतजार है मुझे और इनसाइड एज के सभी फैंस को, पूरे क्रू को, क्योंकि 6 दिसंबर को इनसाइड एज 2 अमेज़न ओरिजिनल रिलीज होगी एंड आई थिंक 2 इज बेटर देन 1. क्या बात, 2 इज बेटर देन 1. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. विश यू ऑल द बेस्ट. दैट्स इट. आप सब रेडी? यस. आप रेडी सर? आप बिल्कुल ओके सर? थोड़ा सा आप रुक सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ओके. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन. जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि ये इनसाइड एज 2 मतलब फर्स्ट सीजन से थोड़ा धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर से, सर जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा. तो सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन एंड मिलियंस ऑफ व्यू भी आ चुके हैं, उसकी भी उसके भी बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस इस इनसाइड एज 2 में? तो किससे स्टार्ट करें? एक्टरों से स्टार्ट करिए. लेट द लेडी गो फर्स्ट. यस, देयर यू गो. आई थिंक इनसाइड एज 1 वाज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. इट वाज आल्सो द फर्स्ट show that sort of got made in India, you know, in an OTT platform. And obviously it was successful, but beyond that, I think we really sort of bonded as a team. And for the second season, we were also waiting for a while to sort of come together and do it again. Mm-hmm. And it's definitely bigger and it's scaled up.
but it's also much deeper and darker in terms of the interpersonal relationships. It's much more expansive, and I think it's fabulous. What these boys have done is just incredible. It's looking amazing. It's much more, like, you know, it's much more palpable, the politics of it and whatever is going on. So I'm very excited. I think also the way they wrote Rohini in the second season is fantastic, and I'm just so grateful for that. देखो मैं आपको तो मैंने ट्रेलर भी देखा कि देख लेंगे तुम्हें पिच पर जी सी सी सर अलोंग विद बीइंग पार्ट ऑफ द शो मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन भी हूँ और पिछले दो ढाई साल से मैं जहाँ भी जाता हूँ सब पूछते आते हैं कि यार सीजन टू कब आएगा सीजन टू कब आएगा बट यू नो पीपल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट मेकिंग फोर फिल्म्स राइट बिकॉज अगर आप हमारे स्क्रिप्ट को देखेंगे तो इट्स लाइक 400 इट्स लाइक अ बाइबल एज शी राइटली इट टेक्स टाइम टू मेक what we consider good content and I'm just really happy to be back with all these boys and girls because we really are like one big family and to come to this particular set and just get to express yourself day in and day out is something that gives me a lot of joy and I'm really excited. I'm as excited as all the fans who have been clamoring and asking questions, hey, who's Bhai Saab, what happens to Dhawan, what happens to Vayu, what happens to Arvind, what happens to Rohini, all these, you know, like the beauty of the show is it's not about it's not that like people are fans of just one character. When you know that each character has left its mark, that means the show has succeeded. So. Sir, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी देखते हैं, जैसा कि रोहिणी ने बताया कि जहाँ भी जाते हैं सर सीजन टू कब आएगा? Finally सीजन टू अब आ चुका है and हमने देखा 13 million view भी cross कर चुके हैं. तो आप बताइए कि आप लोग की क्या feeling है? जो हम चाहते थे फिलहाल वो हो चुका है. So, sir, आपसे? बहुत अच्छी फीलिंग है ऑब्वियसली एंड आई थिंक बहुत मेहनत गई तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा बट नाउ दैट इट्स फाइनली हियर आई थिंक हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है आई थिंक पहली बार सबकी लाइफ में ये हुआ कि नॉर्मली अगर आप फिल्म पे काम करें तो यू नेवर कम बैक विद द सेम ग्रुप ऑफ पीपल अगेन तो पहली बार ऐसा हुआ सबके साथ के जो 30-40 लोग एक कोर ग्रुप था कि वापस आके दोबारा सेम शो पे काम कर रहे तो वो एक दैट फीलिंग वाज वेरी यूनिक That's the first time all of us experienced it. And I think it made season two much stronger. And all the new people that came into the show, like Akash, who's directed it, he's brought like a very good vision to the season this time. Yeah. The new cast that's come in, that has infused a lot more energy with the already, you know, energized great cast that was already existing. And I think, you know, with Karan and the team, like whatever they create and they write is just so fabulous. That everyone just has so much to do, you know. If you're a director on the show, if you're an actor on the show, you just have your job made so much easier because it's so well defined. So I think season two में बहुत मजा आया because season one जब सब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग path तो चल रहे हैं पर आगे क्या है पता नहीं. But now जो उस time पे future था कि this is going to be the future of entertainment. Now it's the present of entertainment. So we know that there is an audience. There are people who are liking this content. So we're very confident that it will reach out to a lot more people and a lot more fans will enjoy season 2. So, aap mante hain ki responsibility ab aur badh jati hai season 2 mein sab aapse bhi? Bilkul, responsibility to badh jati hai lekin resources bhi badh jate hain. Farhan, Ritesh, Amazon sab ne hame bahut, you know, they supported us to make it a bigger show this time. So when we got into the writing only we knew that we had to make it go international. We wanted to bring new characters in, add more layers. Mumbai Mavericks se saath ab hum Haryana Hurricanes ki team ki ke saath bhi chal rahe hain story mein. So it's become a bigger world and the pressure was there, but because we had the resources, we could utilize them or know that we could put a better product out there. Also, I think it's the first time we all experienced as creators, also actors that. You know, you've seen the first season, you know what you can better, what you need to work on, what works, what worked, what which way to take the characters, and then you come back to the drawing board as writers and makers, and then you sort of face it with a... Play on those strengths. Yeah, because I think season, much more informed. Yeah, season one was more about investing in this world and creating this world, and now you just get to go out there, hit the ground running, and really play with it, you know?
इधर मतलब आप ऐसे छक्के लगाने में ज्यादा बिलीव करते हैं या बॉलिंग करने में बैटिंग नहीं 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 छक्के लगाने में जब जब छक्के चले जाते हैं तो कैन यू वांट टू स्लैश मी ओवर हियर अबाउट माय नहीं नहीं हां एक्चुअली एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग एक ग्राउंड में मिलके शूटिंग के पहले बॉलर था जो भी इनसाइड एज फर्स्ट सीजन में था फर्स्ट बॉल तनुज मिडिल स्टंप आउट अभी उसके बाद उसके बावजूद हमने Nee, but see, in my life, there's nothing I love more than making movies, acting, and playing cricket. Now, to get the opportunity to do both those things is, like, for me, like, I feel like I'm in, like, heaven right now. It's amazing. And international stadiums mein, you know, games khelwa rahe, that's amazing. Wo to hai. And agar hum audience ki baat kare, to jaisa ki main abhi just reach raha tha, abhi interview karne se pehle check kiya ki kitne millions view, 13 million view cross kar chuke hain. Nee, abhi 14 ho gaya. Numbers actually, it's important, I guess, it is, and definitely if you're feeling gratified or achha lag raha hai ki zyada log dekh rahe, it's definitely saying something, but it's personally, it makes no difference to me. I would still be as invested and as excited to do what I'm here to do, which is the work, and I'm sorry to sound philosophical. I have no idea what this number was. Mujhe to wahan pe aag bhi nahi jaati hai, you know, it's not, I'm not tuned, I guess we are not tuned like that. And you know, now, in fact, it's very interesting because I was watching this round table with directors that Anupama Chopra was doing, and Zoya happened to say something which actually struck a chord, that, you know, when you go to a good restaurant, you were saying that nobody says ki kitna business kiya hai kal. Abhi, I think with, you know, with films or with series, and because views are most important, or, you know, the box office and all of that, and it's important. But I think we are too caught up in that, you know. I mean, if you're doing good work, people will watch it and people will love it. A lot of times the same people are watching it 100 times, you know, and the numbers can be bought also, just to say. So it's so there are all kinds of things when it comes to numbers, and I'm not somebody who's too excited or too, you know, if there are some really nice films, short films that I've done, which are on YouTube, and for some reason there are not a lot of numbers of views that you can see, but it's, you know, I'm as proud of them, absolutely. You know, so it's fine. See, for me, it's very simple. I mean, you know, numbers are great. I want millions of views. I'm full Masi, okay? Real life, my personality bhi aise hai. Like, when I walk into a room, I want everyone to know that I'm there. I'm unabashed about that. So, if I'm part of a project, now we are like salesmen because we're promoting the show, right? I mean, when we're on set, we're the actors. We have to don different hats. So when I look at the numbers, not about an ego boost or anything for me, but it's like, okay, so that many people are aware. And more than numbers, the likes also matter as long as it's organic. It must be real, as she rightly put, because He's a full millennial. Likes matter. No, because that means, it does matter, because that means that people... Haven't you watched Black Mirror, No, it matters. See, this is my personal opinion, because it matters because, of course, people are anticipating this show, but after seeing the trailer, I want them, that anticipation, to grow even more, because now we know what we've made, right? But we still need to get them to come and watch it, otherwise
what's the point? We're not making this as a home video. We're not making this for ourselves. At least that's the way I look at it. So for me, it's she rightly put it. I mean, she's done so much work and all, and maybe she may like some of the short films which don't have the numbers, but is good content. But at the same time, I mean, like, I know for a fact, and without trying to sound like very cocky or arrogant, I know that we have a good product on our hands. And it just reinfuses my faith ki haan yaar, numbers are rahe, which means, because it's not like box office, na. We are not, I mean, hame pata nahi, like season one, maybe we did not know, we got to know it's a success when they called and said that there's a success party happening. So first question I asked them, ki yaar, ye party kahan par hone wali hai? Haan, ek choti moti jagah, to yaani ki fake party hai. Which is Taj Ballroom at Land's End. Tumne bola, hey, legit success hai, bhai. I mean, sorry, but it's actually true that, you know, for even Amazon and Excel, you know, as producers, you also pump in that much money for promotions, for the, you know, making the next season. I guess when you hit those numbers, and those numbers are important, so it's not to say that it's not important. Yeah, but it's not necessarily our lookout. I look out. But if it was 2 million view, what? You wouldn't have done next season? No, huh? Even if it's 1 million, I'll do 10 seasons. That might be just my view. I think the good thing was when Inside Edge came out was public opinion and awareness about the show was something that we all experienced for the first time. Yeah. So you through that you know the show has done well. Yeah. When people on the streets or normal people are not from the industry noticed the actors. No, the best or, part is someone also haven't seen Inside Edge because they obviously don't know me as a career success. Nice. Karan actually told me a really interesting story the other day. He was mistaken. Someone mistook him for being him only. They went up to him and said that you really look like that director Karan Anshul. and I personally think that's the best kind of compliment any filmmaker or anyone who's out there in the public can get. You know, I think that's beautiful. No, in fact, I mean, Karan knows this. I was in Nepal last year shooting for a film, and the day we were coming, like I was coming back, the previous day, I walked into a store. It was completely empty. It was a store of like, you know, like warm gears and stuff. Mm-hmm. And suddenly, like somebody screamed, saying, "Rohini, Rohini!" And I looked back, and it was the shopkeeper, was the guy who was sitting alone. And suddenly, he was like, "Are you Inside Edge? Are you Inside Edge?" I was like, "I'm not Inside Edge, but I am Inside Edge." And he video called his brother, and apparently, they were both huge fans of Inside Edge, and they were sitting in Kathmandu. And I think, you know, it also says a lot about, you know, the viewership global. And the reach, and you know, and I genuinely believe the show means a lot to a lot of people. Like even I just walked in right onto the hotel, and there was this lady who was from Florida, and she's like, "Oh my God, I'm sorry, I don't know your real name, but you're Vahi Raghavan, right?" And you know, so I'm like, occasionally, yes, I am, you know. So, and she's like, "My God," and she gets her husband on the line, and I'm suddenly FaceTiming with two strangers, and it's a great feeling, right? That's only because of the show. So hence, numbers are important. So, privilege feeling karte hain jab aapko log aapke character se jante hain, like. Yeah, अच्छा भी लगता है but कभी कभी you know as an actor I have to look at the bigger picture right I as much as I love playing Vahi Raghavan but I do not want to just be known as one character so you want to break out of that but for now I'm loving it right and I'm sure she does so much amazing work I'm sure when she when she's got movies coming out and other shows coming out a lot of people come up different there and, people recognize me from different things yeah. So if you go to like a metro, Delhi or Bombay, they'll be like, "Oh man, Inside Edge is the real deal." And so it's crazy. As actors, we are commodities. We're satiating the needs of different strata of society. I think it's product, commodities, numbers. What are you on about? My God! But it's true. But it's true. Yeah. Stop saying these things. He's in salesman mode right now. Yeah. It's good. He just got a product, and then we are commodities. Yeah. We need numbers. And likes and billions. But we are. I was watching SRK's interview recently, and he said that I am just the person who is here to be there for the entity that is Shah Rukh Khan. I am there to, you know, and I don't know what exactly he said, but it was something on those lines. And I'm like, that makes so much sense, right? Because... No. These are my... You're promoting brand, Tanuj. Yeah. Not just brand. I'm brand inside. Brand inside. We are telling good stories and we are hoping that what, more people will share that. That's what we're doing. Okay, he's like, this is going to go on all day and we don't have all day, so let's just move on. Sorry. Like, we have seen that you also want to know.
बहुत बड़ी कास्ट हो गई है जितना मैंने ट्रेलर में देखा. अच्छा छड्डा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं. सो ओवरऑल आप सभी का कैसा रहा एक्सपीरियंस सभी के साथ का? तो थोड़ा सा आपको कैसा लगता है? लुक एट ऑल ऑफ अस, वी आर सो हैप्पी, लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली. तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. एंड या व्हाई डोंट यू टेक दिस? I think it was good. The good part is that I think in season 2, I think all the cast were even more secure than season 1. Yeah. And it was a pleasure, and they all, I think, kept everyone, you know, everyone's games up. They challenged each other. So I think sab logon ne ek dusre ko support kiya, boost kiya. You know, I think it's very, sorry. No, please. I think it's also a lot of comfort because, you know, somebody just asked us how easy or difficult it is to just come back to playing the same part after a gap, right? But I think it's also easy because we're so comfortable with each other. Like, for example, when Tanuj and I go on set, we just become Vayu and Rohini. And, you know, it's the banters, the, you know, the kind of feeling, the warmth, the kind of, you know, relationship we share in real life. Mm-hmm. And real life, they also sort of, you know, come together in a strange way. Yeah. And I think it also, like with Angad's part, like it's become that, you know, like how Rohini looks at Arvind, you know, which is like a big brother situation and with a lot of reverence, with a lot of respect. It's also like that in, you know, so our, I think, interpersonal relationships have become like that. Yeah. So it was actually like nicer than just walking to, I mean, it's different, you know, when you just know everyone, you know, and you're just, and also then there are new people coming in, like Bhai Saab or Mantra. And then it's a new energy, which is also nice, you know, to sort of punctuate the existing energy. So it's quite cool. And all logo ki ensemble, also they're all, there's no one hero, there's no one hero. Yeah. So that really helps in, or wo first season mein, no one knew kaise hota, because it was, everyone was coming from a film background. But now that everyone knows ki everyone has their time and space to perform and, you know, be the best that they can be, I think there was a lot more comfort this time. Plus, Akash was the other new entrant who came in and sort of did really well. Okay, so ये conversation I think बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन दिसंबर में streaming होने वाला है, तो आप लोग बताइए कितना बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को Inside Two का. I am really waiting to watch the whole show myself. I've watched parts of it and I'm really blown away. And I'm not just saying this. I'm very, very, very proud of what we have created together and what they have created together with Akash. And I'm very excited for everyone to watch, you know, because I think you're really in for a massive surprise, and it's grand, it looks amazing, it's also very rich. So I'm very, very excited, honestly, for 6th of December. I couldn't have said it better. Everything she said. Yeah, it's bang on. So watch it on Amazon Prime on 6th December, Inside Edge Season 2. Binge. एक बार सब साथ में बोले अगर Inside Edge Season 2, 6 December stream. So we should all like together one after each. साथ में? So, ready? 1, 2, go. Please watch Inside Edge Season 2 on 6th of December on Amazon Prime Video. You were trying to keep up. You were trying to keep up. It's my name, man.